गरुड़ पुराण प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथों में से एक है। किसी की मृत्यु के बाद घर परिवार के लोग ब्राह्मण द्वारा ये ग्रंथ सुनते हैं। इस पुराण में भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को मृत्यु से संबंधित अनेक गुप्त बातें बताई हैं। मृत्यु के बाद जीवात्मा यमलोक तक किस प्रकार जाती है, इसका विस्तृत वर्णन गरुड़ पुराण में बताया गया है। जिस तरह जीवन एक सत्य है, ठीक प्रत्येक व्यक्ति को ये भी भली भांति पता है कि मृत्यु भी एक ऐसा सत्य है जिसे कोई जितना मर्जी छुटला दे परंतु इसे बदला नहीं जा सकता। कहने का अर्थ है कि जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। इस बारे में हम में से बहुत से लोगों ने कई बार अपने बड़े बुजुर्गों से कहते सुना होगा कि मृत्यु के बाद मनुष्य शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है। मगर ऐसा क्यों, इस बारे में क्या किसी ने सोचा है? अगर नहीं तो चलिए आज आपको इससे संबंधित जानकारी बताते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों मृतक शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में भटकती रहती। किसी की मृत्यु के बारे में सुनकर एक बात हमेशा जेहन में आती है कि आत्मा कहाँ जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथ गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि आत्मा अजर है, वह कभी नहीं मरती। मरता है तो ये शरीर। अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका फिर से जन्म लेना भी निश्चित है। अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति ही इस जीवन मरण के चक्र से निकल कर परलोक को जाता है। सवाल ये उठता है कि जब आत्मा जीवित है तो क्या वह सब कुछ देखती है? इस सवाल का जवाब गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति के मरने के उपरांत उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपनों के बीच रहती है। गरुड़ पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ कैसा व्यवहार करना है, यह उसके कर्मों पर आधारित होता है। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह 24 घंटों के लिए यमदूतों के साथ रहती है, जिस दौरान उसके द्वारा छोड़े गए देह को पंचतत्व में विलीन करने का कार्य किया जाता है। 24 घंटे पूरे हो जाने के बाद उस आत्मा को 13 दिनों के लिए अपनों के बीच छोड़ दिया जाता है। इन 13 दिनों तक चलने वाली रस्मों के पूरे हो जाने के बाद आत्मा फिर से यमलोक वापस चली जाती है, जहाँ उसे उसके कर्मों के आधार पर लोक की प्राप्ति होती है, जहाँ उसे अपने कर्मों को भोगना पड़ता है। लोक से मतलब मृत्यु लोक, वैकुंठ या फिर नरक लोक से है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि शवदाह के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मृत व्यक्ति की आत्मा वहां मौजूद अपने संबंधियों को देख रही होती है और मोह के कारण वह उनके साथ वापस लौटना चाहती है। इसलिए अक्सर ये बात कही जाती है कि शवदाह के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, इससे उस आत्मा को इस मोह के जाल से निकलने में आसानी होती है। मृत्यु का ये सार गीता में भी दर्ज है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा गया है कि आत्मा कभी भी नहीं मरती है, वह तो अजर है, अमर है। वह कहते हैं कि शरीर तो आत्मा के लिए एक वस्त्र की तरह है और आत्मा समय समय पर अपने वस्त्र बदलती रहती है। दोस्तों, जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।